कस्बा कामा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आए दिन चोरी की वारदात कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इलाका पुलिस इन चोरी की वारदातों पे अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। एक ही हफ्ते में दो मंदिरों में चोरी होने से इलाके में दहशत व्याप्त है। कामा के देवी गेट स्थित मनसा देवी मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। जिन आभूषणों से देवता मनमोहक छटा बिखेरते थे, उन्हीं आभूषणों को चोरों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया और देवी मंदिर से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर मंदिर से चांदी के दो छत्र, सोने के दो मुकुट और नकदी के साथ अन्य सामान को लेकर फरार हो गए। शनिवार की सुबह 4 बजे मंदिर के महंत दीनदयाल शर्मा प्रतिदिन की तरह आरती करने के लिए मंदिर पहुँचे तो उन्हें गेट का ताला टूटा मिला और संदूक से सोने चांदी के सामान गायब मिले। संदूक में रखी माता रानी की पोशाकें तितर बितर नजर आईं। चोरी की सूचना मिलते ही कस्बे के महिला पुरुष काफी संख्या में मंदिर पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को चोरी की वारदात की सूचना दी, जिस पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। इस घटना से कस्बा वासियों में रोष व्याप्त है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या हुआ था? मैं 4 बजे सुबह 4:15 बजे आया तो मुझे ताला टूटा मिला। मैंने देखा माता की पोशाक इधर उधर हुई पड़ी थी और पेटी को वस्त्र हटा के उसमें 2 सेट मुकुट और 2 छतर और कुछ राशि थी 2-4 हज़ार रुपये, वो मुझे नहीं मिली और वो फैला हुआ मिला सब कुछ। ये कितने बजे की घटना है रात को? मैं तो 4:15 बजे आया। घटना का मैं कैसे कहता हूँ, मैं 4:15 बजे आया जब मुझे टूटा मिला।